الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्मों सियासत का फसूक, फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अहबाबे ज़िवकार, इंतहाई मुख्तसर हमदो सना और दुरूद व सलाम के बाद हजरात आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, आज आपने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अजमत, आपके मुकाम, आपके मर्तबे और आपकी अजमत के हवाला से आज के इस प्रोग्राम को सजाया है। और आज अपने अपने अंदाज के अंदर, कोई अशआर के अंदर आका अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान कर रहा है, कोई अपने अंदाज के अंदर आका की मदा और तारीफ को कर रहा है। हजरात, आका अलैहिस्सलाम का अगर हुसन बयान किया जाए, आपका हुसन बेमिसाल, अगर आका अलैहिस्सलाम का जमाल बयान किया जाए, आपका जमाल बेमिसाल है। हजरात, मेरा दिल चाहता है मैं ख़त्मे नबूवत के हवाला से एक दो बातें करके आप अहबाब से इजाज़त चाहूँ। हजरात, आइए ज़रा तवज्जो कीजिएगा, हज़रत आदम सफ़ीहुल्ला आए, अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया। हज़रत नूह नजीबुल्ला आए, अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया। हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्ला आए, अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्ला आए, अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया। हज़रत यूसुफ़ सिद्दीकुल्ला आए, अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया। लेकिन जब इस दुनिया कायनात के अंदर ताजदार कुनैन तशरीफ़ लेकर के आए, जब इस दुनिया कायनात के अंदर आमिना के लाल तशरीफ़ लेकर के आए, जब इस दुनिया कायनात के अंदर अहमद मुजतबा तशरीफ़ लेकर के आए, जब इस दुनिया कायनात के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर के आए, फिर अल्लाह ने अपने क़ुरान के अंदर इस अमर का ऐलान कर दिया और बरमला तौर पर ऐलान कर दिया। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजाली वलाकिर रसूलल्लाही व खातमुन नबीयीन। अल्लाह फरमाते हैं इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने खत्मे नबूवत का ताज अता किया है। जितने अंबिया किराम इस दुनिया कायनात में आए, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक, जितने अंबिया किराम इस दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए, सारों को नबूवत का ताज मिला है। लेकिन जब आका कायनात इस दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह ने नबूवत का ताज भी अता किया है, अल्लाह ने खत्मे नबूवत का ताज भी अता किया है। ये तो अल्लाह का कुरान है। इमाम कायनात के फरामीन पढ़ना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक से क्या ऐलान किया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला नबीया बादी अना खातमुन नबीयीन। लोगों, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी बन करके आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से इस अमर का ऐलान किया। आका फरमाते हैं आना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। लोगों, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से ऐलान किया। आका फरमाते हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। लोगों, अगर मेरे बाद किसी ने नबी आना होता तो जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे बाद नबी बनकर के आते। शेख सलीमुर रहमान साहब जनाबे उमर की अजमत का तराना गा रहे थे और जनाबे उमर की अजमत को बयान करते हुए ये अल्फाज कह रहे थे कि उमर पर हमारी जान भी कुर्बान है, जान कुर्बान क्यों ना हो। मेरे आका ने मांग मांग कर लिया और दुआएं कर कर के लिया। क्या कहा, अल्लाहुम्मा अइज्जल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब। अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता कर दे, उमर की वजह से अता कर दे। उलमा की मौजूदगी के अंदर एक बात करके मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। उलामा को
को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है, खुताबा को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है, मुकर्ररीन को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है, वाइजीन को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है। मैं कुर्बान जाऊं जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत से, मैं कुर्बान जाऊं जनाबे उमर के मुकाम और मर्तबे से, मैं कुर्बान जाऊं जनाबे उमर की शान और इज्जत से, जिनके बारे में आका फरमाते हैं अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, अल्लाह उमर की वजह से दे दे, अल्लाह उमर की वजह से को वकार अता कर दे, इस्लाम को टोर अता कर दे, इस्लाम को मर्तबा अता कर दे। फिर चश्मे फलक ने वो नजारा देखा जब उमर इस्लाम लेकर के आए हैं तो मुसलमानों पर उरूज आया है। हजरत मैं ये बात नहीं करना चाहता, हदीस से मुबारक का मुकम्मल करना चाहता हूँ और बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। एक और हदीस से मुबारक आका कायनात फरमाते हैं, फरमाया अन जाबिरिन रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انا قائد المرسلين ولا فخرا وانا خاتم النبيين ولا فخرا وانا اول شافع ومشفع ولا فخرا। अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, हजरत जाबिर इस बात को बयान करते हैं, फरमाया आका फरमाते हैं قال انا قائد المرسلين, अल्लाह ने मुझे तमाम रसूलों का लीडर बनाया, अल्लाह ने मुझे तमाम रसूलों का सिपा सलार बनाया। आका फरमाते हैं इसमें फख्र की बात नहीं है। आगे आका फरमाते हैं वाना खातमुन नबी जीना वला फखरा, अल्लाह ने मेरे सर पर खत्मे नबूवत के ताज को पहनाया, इसमें फखर की बात नहीं है। आगे आका फरमाते हैं वाना अव्वला शाफी व मुशफ्फा वला फखरा, अल्लाह ने मुझे शाफी माशर बनाया, मैं तुम्हारी शिफात करूंगा, अल्लाह मेरी शिफात को कबूल करेंगे, इसमें कोई फखर की बात नहीं है। फिर हम ऐलान कर देना चाहते हैं जब रब का कुरान कहता है आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, जब आका अलैहिस्सलाम के फरमान इस बात का ऐलान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, फिर हमारा दावा यह है, हमारी दावत यह है, हमारा पैगाम यह है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे वो झूठा हो सकता है, लईन हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, दज्जाल हो सकता है। मेरा अकीदा यह है, मेरे मसलक का तआरुफ यह है कि वो नबी नहीं हो सकता। फिर मैं आखिर में कहना चाहता हूं खत्मे नबूवत का परचम लहराते रहे हैं, लहराते रहेंगे, ना पहले झुके हैं ना अभी झुकेंगे किसी गैरुल्लाह के आगे कभी हम, जो सर है जबीने झुकाने के काबिल वह हम अपनी जबी को झुकाते रहेंगे। मसायब की परवाह नहीं, राय हक में कयामत भी हो हम हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में जो दी है दौलत उसे हमेशा जहां में लुटाते रहेंगे। अगर इस दुनिया में कयामत भी आ जाए आपका की खत्मे नबूवत का सिक्का चलाते रहें।